मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैंने इंग्लिश वन के लेसन फाइव के रिवीजन करवाती हूँ। एक्सरसाइज वाला, इसके पहले जो मैंने क्या क्या रिवीजन करवाया था, पोएम लिखवाया था, मिसिंग लेटर लिखाया था, हाँ, और ये मैंने आज थोड़ा क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। और ये एलिफेंट का दादी माँ के विजिट टू माई विलेज, ऑप्शन देख के फिल इन द ब्लैंक्स करा दूंगी। ओके, हाँ, मैं क्वेश्चन आंसर मैंने अब क्वेश्चन आंसर करा दूंगी। Let's write. Let's write. Okay, fill in the blanks. Fill in the blanks. दादी माँ के जैसे गाँव में क्या उसके ऊपर ऑप्शन दिया गया है, विल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से लिखने को बोल रहे हो, और यहाँ इच्छा दिए हुए है, आपको पता है। ओके, इन जून वी वेंट टू ए, इन जून वी वेंट to a dance where my
Leaves, grandmother leaves in June.
गाय को भी पानी देते थे, तेल को पीते रस सब लेके दादी का वहाँ फार्म हाउस में रहते थे। देखो हम लोग छोटे टाइम में स्टोरी पढ़ते थे, दादी माँ कितने सारे कहानी सुनाते थे हैं। अब ध्यान में रखो दादी माँ कैसे स्टोरी सुनाया, यहाँ पर कितना अच्छा से कितना टेंशन तो भर दिया पूरा कर दिया, तो कितना अच्छा लग रहा है। जून महीने में एक गांव में जहाँ पर दादी माँ रहते थे वहाँ है एक फार्म, बहुत मजा आता है। फार्म में क्या होता है, लैंड होता है, बहुत सारे ट्रीज होता है, और वो फार्म में क्या था, एनिमल्स था बहुत सारे, टू हॉर्स वन कैट किटन थ्री डॉग्स वन हेन वन कॉक एक काऊ है। हर रोज दादी माँ उन लोग को घास देकर काऊ से दूध लेते थे और पॉन्ड से तालाब से पानी पिलाते थे और फार्म में भी पानी छिड़ाते थे। पानी बिना प्लांट नहीं होगा, ट्री बड़ा नहीं ग्रो नहीं हो पाएगा, इसीलिए दादी माँ के एक स्टोरी है छोटा सा। नेक्स्ट एक ये हुई है, इसमें इंग्लिश में छोटा छोटा स्टोरी किया हुआ जो आप लोग पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। ओके डांस दिया हुआ है यहाँ पे, वो भी हमें करना है। ओके यहाँ पे बॉक्स में एक फ्लावर दिया हुआ, कंपोजिशन करना रुक करता पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स दिस इज ए। देखो ये फ्लावर बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से हमें फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक बॉक्स में से फिल करना है, देख देख के D
एंटीना के तरह दिखाई देता है, एंटीना में होता है ना ऊपर उठा, इसी तरह इट बजेस राउंड द फ्लावर्स, उसका ये क्या है फ्लावर पे उसको बैठना है राउंड पर, इट बजे एंड बजे एंड केम टू द ट्री, उसका बजे मतलब क्या है, उसका ये मतलब है जो इसे लेके वो फ्लावर्स में बैठ के सब मधुमक्खी क्या करते हैं हनी लेकर वो जू में जाएगा, लेकिन जू से वो निकाल नहीं पाता है तो कैसे जाएगा, फ्लावर्स घूम घूम के फ्लावर को बैठना होता है कैसे जाएगा, नहीं जा पाता। ओके तो आपको इतना पढ़ना है ध्यान रखना है। नेक्स्ट दूसरा एक चुनिंदा डांस है मैंने वो भी करा रही हूँ। ओके नेक्स्ट है पिलिंदा ब्लैक्स है, देखो आपको बुक में क्या दिया गया है, बच्चा बच्चा देखिए उसको मिसिंग लेटर में आपको लिखना है, उसको आपको मिसिंग में लिखना है, इसके नीचे मैंने स्टार्ट कर देती हूँ। ओके
उसको बहुत अच्छे से लाइन करना है, घर में रखो जो हमें और भी इतने अच्छे से लाइन करना चाहिए है, ये ध्यान रख के आप लोग को पढ़ाई करना है।